आज मिष्टी ने एक और ड्राइंग बनाई है और वो भी बहुत ही औसम है, एटलीस्ट मेरे लिए तो बहुत औसम है। और मिष्टी एक्चुअली में बहुत ज़्यादा कोशिश करती है कि कुछ नया बना के लेके आए, एक नया। तो इस बार मैंने मिष्टी को बोला था कुछ नया बनाना है, तो एक्चुअली में उसने कुछ नया बनाया है। आई विल शो यू। तो मिष्टी की जो न्यू ड्राइंग है वो है ये, देखिए टडा, ये मिष्टी ने खुद बनाई है। एक एक चीज इसने खुद से पेंट करी है। क्या पिंक से वाइट मिक्स करके पिंक मून बना दिया। कोई बात नहीं, मिष्टी अच्छा लग रहा है। तो बेसिकली मैंने मिष्टी को कहा था कुछ नया बनाने के लिए, तो उसने ऐसा कुछ किया। और अब मैंने सोचा है कि पक्का 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 ये मैं क्या करने वाली हूँ, फ्रेम है ना मिष्टी, मैं इसको फ्रेम कर दूँ बेटा। हाँ। अच्छा आप मुझे बताओगे आपने ये कैसे बनाया है? और ये मिष्टी ने फर्स्ट टाइम कलर किया। हाँ, मैंने कलर मिक्स करने में थोड़ी सी इसकी हेल्प करी है। मैंने एक स्टील वाली प्लेट थी उसमें थोड़े से कलर मिक्स किए थे। मैंने ये पर्पल बनाया था और ये कलर बनाया था और सारे कलर्स में से निकाल के बनाए थे मैंने। और फिर अभी ये थोड़ी सी इनकम्प्लीट है, इसमें एक शायद एक गर्ल भी आएगी यहाँ कहीं। हाँ, जो उसके बाद ये फाइनल हो जाएगी। जैसे ये फाइनल होगी वी विल गोइंग टू फ्रेम इट और दैट फॉर श्योर, है ना। जहाँ मुझे गाइडेंस मिली थी तो वहाँ क्या था कि उन्होंने एक बॉय बनाया था, बर्ड्स की जगह उन्होंने एक बॉय बनाया था, वो किसी को रिंग दे रहा था। हाँ, तो जिस पिक्चर से उसने देखा था वहाँ पे एक बॉय था, बट हम यहाँ पे एक गर्ल बनाने वाले हैं। ठीक है, मैं एक गर्ल, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे गर्ल आया था कुछ नहीं है, गर्ल गर्ल ही बनाती है। एनी वेज मिष्टी आपने बहुत अच्छा बनाया, कीप इट अप। तो मिष्टी का अभी एक्चुअली चल रहा है क्या आजकल, कोई हिस्सा नहीं कर रही है। ये देखो आपके पौधे खराब करी खींच खींच के, कोई ये मिट्टी खोदने की आदत पड़ गई मेरा एक को। ये देखो मैडम ने नया गेम निकाल लिया, स्लाइडर यहाँ से खिसका के लेके गई है वहाँ पे, और स्विच ऑन स्विच ऑफ स्विच ऑन स्विच ऑफ क्या कर रहा है, लाइट खराब नहीं रहेगी, हंस रही है क्या चीकू, मैं पिट्टी कर दूंगी अब चीकू, पिट्टी डर नहीं लगता है इसको मेरे से, बंद कर दो उसको, बंद करो। स्लाइडर पे पहुंची खड़े होके वहाँ तक, स्लाइडर वापस रखो यहाँ पे, गेट बंद करो, गुड गर्ल, कहाँ गई, दिख पैर देख के आ जाओ, बस अब नहीं करना, चलो कम है कम, भागी। ये मिष्टी मैडम क्या कर रही है, इसको तो भाई कोई जगह नहीं चाहिए, बस कहीं बिठा लो बस बुक्स के साथ। ये अपनी बुक्स ले ली, आज इसको मामी ने नई बुक ला के दी है और ये फिर शुरू हो गई। मिष्टी कौन सी बुक पढ़ रहा है अब तू, कहाँ तक हो जाए, कितनी बची है? ये लोग टॉय से खुश होते हैं, ड्रेसेस से खुश होते हैं, मेरी बेटी को ना नई बुक्स मिल जाए ना उससे खुश हो जाती है। चीको फट जाएगी दीदी की बुक्स, 217 पेजेस, ग्रेट गुड। ये बुक फट गई है क्या मिष्टी, इसका निकला था क्योंकि गेम है ना, ले चल ठीक है बाय कर दे, बाय बेटे। ये लड़की काम नहीं करने देगी बिल्कुल भी, गिरेगी ना चीकू तो पता चलेगा, मेरे रिक्लाइनर को खराब मत कर, गिर मत जाइयो इस पे से, जाओ बाहर जाओ, पीछे गिर जाएगा बहुत जोर से, लग जाएगी यहाँ पे बी हो जाएगी बी। क्राय कैसे करता है चीकू जब बी होती है, तो बहुत छोटी छोटी बातों पर रो पड़ती है, बहुत छोटी छोटी बातों पर, लाडली हो गई है, लाडली और की बात नहीं है। हेलो मैडम क्या कर रहे हो क्या, चलो बाहर भागो, पापा को काम करने दो, जा दादू का फोन आ गया, जा दादू का फोन आ गया बेटा, पापा की क्लास है, जाना मुझे लाइव सेशन लेने जाना है, ये मैडम यहाँ बैठी हुई है, अभी इनको जरा बाहर छोड़ दे, पापा को काम करना है, जल्दी जाओ। देख दीदी किससे बात कर रही है फोन पे, देख जैसे ही पापा बाहर निकले दोनों ने उधम मचा दिया, बस अभी गेट खुला ही था दोनों ऑफिस से आने वाला सीन है पापा ऑफिस से आ गए कितना खुश हुआ था देख बस ऐसे हैंडल हिलता है नहीं है, ये दोनों दोनों वहां पहुंच जाते एकदम से। चीकू तो पहले से ही चीकू, हाँ बोलो पापा को पूछे कौन देगा, बस वन टू नाइस पापा आए कितने खेलने आए ना, पापा पियानो बजाओ मेरे साथ, आज आपने पियानो बजाया नहीं ना, चलो मिस्टर पियानो प्रैक्टिस कर रहे हैं तुझे आ जाओ, अभी तो निकले पापा इधर से निकल के उधर चले जाएंगे, व्हाट इज दिस, कितने खुश हो रहे हैं, क्या है पेन, हम बचपन में भी ऐसे हाइलाइटर्स आए, हाइलाइटर्स पेन नहीं आए, मिस्टी ऐसे ऐसे पेन आते थे तो पढ़ाई करने का अलग ही मन कर रहा, आज तो भाई इतने सारे नोट्स बना देंगे हम, आपको ऐसी फीलिंग आ रही है पापा, हाँ अभी हम इसको स्प्रे करेंगे, चेतना जी इसको फेंक देना बाहर, आओ आओ इसको थोड़ा सा हैंड्स को स्प्रे करें, इसको ओपन करते हैं सब बैठ के, ये हमारा इवनिंग टास्क है अनबॉक्सिंग का, आ मिष्टी कलरफुल है ना, ये ले 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 चीकू को सब चाहिए,
सब। सो गाइस ये मैंने मंगाए हैं स्पेशली अपने लिए और मिस्टी के लिए। ये हैं बहुत ही प्यारे हाइलाइटर्स। मिस्टी को कोई बुक लेके आना अपनी, उस पर हम थोड़ा सा हाइलाइट करके देखते ना। मिस्टी जी को यही कर, ये मिस्टी की एक बुक है और इसका नाम है प्रॉपर्टी बर्ड। ये आपको अमित ने दी थी वो ली है। वाओ, ये मिस्टी की फर्स्ट बुक थी जो कि पढ़ नहीं पाई थी। तो बुक पढ़ी आपने दूसरी की? ओह चीकू आई गई पता मत क्यों। वाओ मिस्टी वांट टू ट्राई? हां ट्राई इट समवेयर। इसे बोल दे कलर नहीं करना इससे। नहीं हां ये कलरिंग के लिए नहीं है, कहीं लग जाए मैडम कलरिंग करने में। हाइलाइटर ऐसे चलाते हैं ना, लैंप को हाइलाइटर से चलाना चाहिए। बुक टेढ़ी है, पेन टेढ़ा है। प्लीज गिव मी स्वॉर्ड बैक। तो जैसे कि स्वॉर्ड इंपॉर्टेंट वर्ड है ना मिस्टी, अगर है तो हम उसको हाईलाइट कर देंगे ऐसे। आपने उसको टिप से किया? देखो ऐसे ऐसे रखने चाहिए। हाँ बहन हाँ। जैसे आप वाटर ब्रश वो टिप ब्रश करते हो ना वाटर कलर करने के लिए, ब्रश को करते हो तो याद रहेगा। हाईलाइटर भी पापा ने चलाना सिखाया था। मिट्टी सुन रहा है मोटा? ये जो हाईलाइटर है ये है शार्पी के हाईलाइटर, बड़े अच्छे रिव्यूज थे इसके अमेजोन पे। मैंने कहा चलो लेट्स ट्राई। क्यों मिस्टी आजकल मैंने भी ना थोड़ी सी वो बुक्स पढ़ने शुरू कर दी हैं, फिजिकल बुक्स मैंने मंगाई हैं दो चार, क्योंकि मैं स्क्रीन टाइम कुछ ज्यादा ही ले रहा। मम्मा ने बस 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 मैंने हाँ तभी तो हाईलाइटर उसको लगाना अंदर। ये बेटा यहाँ से डाले ऐसे, मैं बताता हूँ अब करो पुश कर दो अंदर ये। ओह वाओ चीकू, चीकू ने तो रख दिया। वाओ चीकू बंद भी कर देगी? नो नो चीकू निकालती नहीं है, नहीं अच्छी बच्ची निकालती नहीं। चीकू मम्मा क्या कह रही है? चीकू रख देगी बेटा, बंद कर दो पैक करके। चीकू पैक कर दो गर्ल, चीकू हाई फाई दे दो। देखा सारा काम बिचारी छोटी बच्ची कर रही है। बस पहले दो पिंक हाइलाइटर आपने दिए। वाओ मैं लिक्विड के इसी में अपने दूसरे वाले मंगाऊंगा, जेल वाले। मैं जो मेरे पास पड़े दूसरे वाले वैक्स वाले वो, हाँ वो क्रेयॉन जैसे लगते हैं जो परेशान हो रहा हूँ वाले। जब मैं पूछता हूँ तो तुम लोग बताते नहीं हो। तो तुम्हारे कमरे से उठा के वो चाहिए ऑरेंज वाले, मतलब ये ज्यादा बढ़िया लाइट कलर मुझे ज्यादा अच्छे लगते। नो 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 तो ये लाइट ही कलर है पापा। थैंक यू चीकू छोड़ देने के लिए। चीकू थैंक यू, गली कौन पाएगा? थैंक यू बोल। मम्मा लाइफ है, पापा ने दे दिया मुझे, दोनों पिंक पिंक हो गए मेरे पास। हम बुक रीड करेंगे ये पापा के लिए लंगो पुराने वाले। जल्दी से बोले येलो और बोले ना वो मेरे पास। लो अब शुरू हो गया। चलो अब उसको भी वही चाहिए जो उसको चाहिए। छोड़ दो उसको मिठू, चीकू बेबी नहीं करते, बिग गर्ल हो जाओ। पापा पास जाओ, जाओ 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 जाओ, भागो 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 भागो। ये देखो चीकू को अभी भी चोट लगी है। ये हर बार बोलते हैं मम्मा को मारो मम्मा को, खुद को लग गई मोटो। प्यानो लगा नीचे, प्यानो के नीचे जाकर के बुलेट निकाल। चीकू कहाँ पे लगी? चोटू का लगी बाबू को। बूम होगी बूम। खुशे खुशे अपनी जाएगी, अपनी जाएगी। ला दो पापा को, रिलैक्स कह रही है। मैं डालूंगी देख लो, पेशेंस तो पता नहीं कहाँ ही चला गया इसका। एक एक करके चोटू बता दिए। एक दीदी को दो, वन दीदी को दे दो। आप क्या करोगे? वेरी गुड। हाँ आप किसको मानेंगे मम्मा? किसको मानना है? हाँ बड़े सही हो यार, है बड़े सही हो तुम लोग। बच्चों की डिमांड है। देखो मम्मा को नहीं मारते, पापा को बोलो ना। लगी अब तो लगी यार बस भाई। बच्चे बहुत उठा उठा के लिए आते हैं यार, मैं खेलना बंद नहीं कर सकता इनके साथ। ये मिट्टी अभी रात को बेटा कैसे जग रही है? डर कैसे रही है मिट्टी? रात को 10 बजे तक इतनी जग रही है। पहली बात रात को 10 नहीं बजे, 9:09 हुए तो घड़ी फास्ट है। ओह आई एम सॉरी। सारी ब्लूट उठा लो। क्या हुआ? देखो मुझे ढूंढ रही हो गए ब्लूट। जाओ कुछ नहीं है मेरे पास, जाओ जा जा भाग 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 भाग। देख मिल गई को एक बुलेट। भागी भागी भागो भागो भागो, पापा को देखिए फटाफट। भाग 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 भाग।
भाई हमारे टाइम पे होते थे एक ब्रेक होते थे क्या, या तो दशहरा ब्रेक, दिवाली ब्रेक, एक ये बच्चे इनके टाइम पे कौन से ब्रेक होते हैं, स्क्रीन टाइम ब्रेक। मिस्टी की 5 डेज की हॉलीडे है, किस लिए? बस स्क्रीन से ब्रेक मिल रहा है भाई। काश हमारे लिए होता है। मुझे इस बुक के साथ ना एक गेम मिली है, और इस गेम में तो क्या है, आपको इस सर्कल में से कट करना है, और फिर इसके अंदर आपको टिश्यू पेपर कट कर सर्कल मारना है। ये होगा आपका सेकंड टारगेट, इसके सिर पे लग गया तो फर्स्ट टारगेट होगा छेद से डालना इसका। और ये बहुत अमेजिंग गेम लग रही है मुझे खेलने में तो। गुड गुड गुड, खेल लेना। चिकू गाना कैसे गा था? चिकू गाना सुना दे बेटा। Old MacDonald had a farm. कैसे गाता है? E-I-E-I-O. बोल दे बोल दे शितान छोड़ दे, चलो कैमरा ऑफ कर दो भाई, अब बस ऑफ कर दो। बाबा बाबा ब्लैकशिप भी आती है आपको। कैमरा ऑन था, क्या इसमें लग गई? ठीक है मम्मा, कैसे ठीक करती है? क्लोथ से पता ना, मैं ऐसे कपड़े को लेकर मैं ऐसे करती, सेम मैं ऐसे करती, ऐसे करके फूंक मार के फिर लगा देती हूँ। ठीक हो जाएगा सब कुछ। ये हमारी साइंस है, सब ठीक हो जाएगा अपना। ठीक हो गया अब, तो बड़ा मजा आता है। और करो भागी 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 भागी, अब कुछ भी हो जाए, जहाँ मिश्ती वहीं पीछे 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 सवा दस हो गए भाई, सोने का समय हो चुका है। बच्चे इतना खेलते हैं शाम को, इतना ज्यादा खेलते हैं, थोड़ा सा अजीब लगता है इन लोगों को ना बाहर जाने का मौका नहीं मिलता। नहीं तो हमारे टाइम पे हम लोग बोल रहे पार्क के अंदर, इस समय मतलब शाम के समय भाई, जो वहाँ पे खेला चलता था खेला हो गए। इनको बच्चों को पार्क जाने को मिलता नहीं। एक्चुअली में बच्चों ने आना शुरू कर दिया पार्क में, लेकिन फिर भी यार मुझे लगता है कि भाई वी शुड रिस्ट्रिक्ट अवर सेल्फ। फिर हम लोग ही रो रहे होते हैं कि वेव 3 वेव 4 आने वाली है, वी शुड रिस्ट्रिक्ट अवर सेल्फ। यहाँ पे घर पे जितना इंजॉय कर पाए कर ले। बाद में कभी कभी दुख भी होता है, चीकू के लिए तो बहुत ज्यादा दुख होता है। चीकू ने तो बिल्कुल ही दुनिया देखी, बाहर है क्या। मिष्टी तो फिर भी एक एज में आ गई है, 8 ईयर्स की हो गई है, वो पार्क में खेलने भी गई अपने दोस्तों के साथ जब सब कुछ ठीक होता था, यानी कि वही 2020 से पहले वाले समय पे। पता नहीं अब कब ये लोग बाहर जा पाएंगे, कैसे जा पाएंगे। ठीक है घर में भाई, मैं अपने ऑफिस में रहता हूँ, ऑफिस से बाहर निकलता हूँ तो मैं आपको किसी दिन दिखाऊंगा। चीकू ना मेरे गेट पे खड़ी रहती है बिल्कुल शाम के टाइम पे, और जैसे ही बाहर निकलूंगा इतने खुश होंगे ये लोग, पूछो मत। बढ़िया है भाई, बढ़िया है, सही है वर्क फ्रॉम होम भी। एक लाइब्रेरी बनाने की सोच रहा हूँ, और लाइब्रेरी के साथ साथ अच्छा एक बुक भी लॉन्च कर रहा हूँ, उसकी भी डिटेल्स आपको कल वाले व्लॉग में दूंगा सुबह सुबह बिल्कुल, तो वो भी देख लेना। और जब लाइब्रेरी बनाऊंगा तो आपके साथ शेयर भी करूंगा। एक दूसरा मेरे पास फ्लैट है, उसमें एक रूम में लाइब्रेरी बनाने के लिए सोच रहा हूँ, उसमें काफ़ी सारी रिनोवेशंस भी होनी है। पापा को बोल रखा है कि रिनोवेशंस जल्दी जल्दी जरा प्लान आउट करें, तो वो जब हो जाएगा तो वो भी आपको दिखाएंगे अच्छे से। आज के व्लॉग में इतना ही रखते हैं यार, थैंक यू वेरी मच, स्टे कनेक्टेड, स्टे हेट, जय हिंद। और हाँ मित्रों, सीखते रहें क्योंकि सीखना बंद तो जीतना बंद। बाय बाय एंड टेक केयर, गॉड ब्लेस यू ऑल। खूब मेहनत करो, खूब आगे बढ़ो, खूब अच्छे काम करो। ओके बाय बाय, टेक केयर।